Cadet Ghai. Yes, sir. 15 मिनट में आप मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे. यस सर. अकेडमी से निकल कर ना इसे एक दिन कपूरथला जरूर बुलाऊंगी. फिर ट्रैक्टर से बांधकर खेत में ऐसा घसीटूंगी. फॉर यू मैम. थैंक्स. बस मैम मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई, आपके साथ कॉफी पीने की. आखिरी? अब मैम अकेडमी में कल क्या होगा किसको पता. आफ्टर ऑल एक फौजी की जिंदगी तो यही है ना, उसको क्या पता कि वो कल देखेगा भी या नहीं. तुमने आज देखा जी? जो तुम देख रहे हो वो ना तुम्हारा आज है और ना कल. कुछ नहीं मैम, ये कॉफी की मूछ बन गई थी. ओह आई लव लिकिंग द क्रीम ऑफ माय लिप्स. वाह, पर मैम आपके ऊपर मूछे अच्छी नहीं लगती. आई नो, इसलिए मैं हफ्ते में 3 बार वैक्स करवाती हूँ. हाय यूडी. एंड यू नो व्हाट, मुझे मूछे तो बिल्कुल पसंद नहीं और बॉयफ्रेंड्स पर तो कभी पसंद ही नहीं आए. बट वो सो सो पेन टू किस देम यू नो. बिल्कुल सही मैम, वैसे मूछों से थोड़ी ना कोई मर्द बन जाता है, वो तो ताऊ के दिनों की बातें हो गई. नहीं उड़ी. राइट. अकेडमी के इस बैच में जो हो रहा है ये अकेडमी की हिस्ट्री में शायद पहली बार है. कोई अपनी मर्दानगी के दोराहे पे खड़ा है तो कोई अपने दिल के चार रास्ते पर. सर, तीन मिनट लेट, यानी कि ठीक 17 मिनट में तुम्हें यह कमरा साफ करना. एवरी कॉर्नर स्पॉटलेस, हर चीज अपनी जगह पे व्यवस्थित. अंडरस्टूड कैडेट भाई? यस सर. Your time starts now. Wrong. Wrong number. Kripa kuch der baad phone kare. Wrong. Sabhi line vyast hai. एक कैडेट अपने भाई की मौत का डर जानने को बेचैन है तो दूसरा कैडेट अपने दोस्त के जीने की खुशी देखने को बेचैन है. सूरी जी ने मदद करने से मना कर दिया. हाँ, अब तो सिर्फ कैप्टन राजवीर पर ही भरोसा है. पता नहीं वो भी अपुन इतने आसानी से हार नहीं मानेगा. एक तरफ मेजर भार्गव अनुशासन की नई मिसाल कायम कर रहे हैं तो दूसरी ओर कोई अनजाने में उसकी कीमत चुका रहा है. और एक कैडेट है जो अपने मन से जंग लड़ रहा है, ढूंढ रहा है एकेडमी में रहने का अपना मकसद. और जैसे कि जंग में होता है, मंजिल पास होते हुए भी दूर ही नजर आती है. कैडेट सिंह. सर. क्या बात है? यू लुक लॉस्ट. आई एम फाइन सर. गुड. एंड आई होप हमारी एकेडमी ना तुम्हें और ना तुम हमारी एकेडमी को कोई शिकायत का मौका दे रही हो. मेरा मतलब तुमने अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है ना? सर कैडेट नैना सिंह सिर्फ अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में बिजी है
और वैसे भी सर, मैं जब भार्गव के टाइट शेड्यूल में, किसी कैडेट के पास इतना टाइम बचता ही कहाँ कि वो किसी और चीज़ के बारे में सोचे। ट्रेनिंग के दौरान और कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है कैप्टन। यस सर, यू आर राइट। मेजर भार्गव ने कैंपिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज की है ना? यस सर, मेंटोर्स और उनके प्रोटेजीज के लिए 36 घंटे का प्रोग्राम है सर। वेल, ऑल द बेस्ट कैप्टन। थैंक यू सर। और हाँ कैडेट नैना सर, एकेडमी में रहने की मेरी शर्त मत भूलना। सर, सिवाय मेरे दोस्तों के इस पूरी एकेडमी में सबको मुझ पे शक है। पर तुम एक दोस्त के साथ ही तो हो, कैप्टन राजवीर सिंह शेखावत। सो व्हाई वरी अबाउट अदर्स? सर वो मुझे एक्चुअली नवीन भैया के गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला था। कैडेट नैना सिंह, तुम्हें इस समय ऐसा कुछ भी करने से खुद को रोकना पड़ेगा। सबकी नजरें तुम पर हैं, तुम्हारी कही हर एक बात, तुम्हारा किया हर काम को कोई भी गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उसके गलत माने निकाल सकता है। यू गॉट टू बी केयरफुल नैना। ये छानबीन का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि कोई भी तुम्हें इस बार ट्रायल का मौका भी नहीं देगा। नैना, जस्ट ट्रस्ट मी। कभी कभी जंग में एक सिपाही को दिन और दिन सिर्फ बैठकर इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि उसकी एक गलत हरकत उसके लिए घातक साबित हो सकती है और दुश्मन के लिए फायदेमंद। खैर, इस टॉपिक पर हम आगे बात अपने कैंपिंग ट्रिप के दौरान करेंगे। ओके, जस्ट चीयर अप एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। वाओ, कैंपिंग ट्रिप अपने मेंटर के साथ 36 आवर्स टेंट में अकेले। ओ यूडीए, तूने कभी किसी जनानी को केस भी किया है जो तू हाँ जाके कुछ करेगा? गलती नहीं है इसमें, वो एक्चुअली मैं सिमरन के बारे में सोच सोच के बावड़ा हो गया ना मेरा यूटी। क्यों कह दी? अपन को तो पता नहीं, लेकिन टेंशन इस बात की हो रही है कि अपन को एक ही टेंट में उस मुकैम्बो के साथ रहना पड़ता है। कह रही टेंशन, और तुझे ये कब से होने लगा है? जब से ये नोटिस पड़ा है ना, तब से। क्योंकि टेंट में से बस एक ही जन बाहर निकलेगा, और वो हूं मैं। भगवान जी, वो कैम्बो की आत्मा को शांति देना। यार केदी, मेरे बारे में सोच, मैं तो वहां मदर इंडिया के साथ हूँ यार, पता नहीं क्या हाल होने वाला है। कुर्बान हो जाना भारत माँ पर। हमको तो ललिता मैम के साथ टेंट में रहना। कैदी, कम से कम तेरा मोगैम्बो साफ सुथरा सिग्नल तो है। यहाँ पर तो मेजर नायर है, राशा बंदा। पता है उसके रूम की हालत देखने जैसी थी, घोड़े का अस्तबल भी उससे ज्यादा साफ होगा। पूरे रूम में इतनी सारी फोटोज थी, फाइल में फोटो, कबर्ड में फोटो, हर जगह बस फोटो। और उसने अपना इनबॉक्स खुद से साफ करवाया। ऐसा लग रहा था जैसे पहले सिपाही से लेके अब तक के सारे सिपाहियों की उसने अपने पास फोटो इकट्ठा कर रखी है। किसके फोटोज? अपना मेजर नायर को एसएमएस वाला बंदा है, सारी एमएमएस वाली फोटो थी। उसके रूम में होगा ना? चलती है? किधर? मेरे को वो फोटोज देखने, चलना। कैरेट आलेख, कैरेट पूजा, मेक वे। Everybody attention. Sharp 1400 hours पे आप सब लोग कैंप के लिए निकलेंगे। No bags, no gear, nothing. कुछ सामान नहीं लेके जाएंगे। 36 घंटे के लिए जीने के लिए जितना सामान लगता है वो सब आपको टेंट में मिलेगा।
किसी को कोई शक तो वो अपना सवाल फ्लश कर दे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपका शक दूर करने नहीं आया हूँ. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ एवरीबॉडी मूव इट. बेग, कैंप पे जाने से पहले प्लीज मेरे लिए एक काम कर दो. जी सर. एक चिट्ठी लिखनी है. चिट्ठी सर? यस, हिंदी में. कैडेट में लेफ्टी हुआ करता था, अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया करता था. फिर जंग में लेफ्ट हैंड को इंजर करने के बाद दाहिने हाथ से मैंने लिखना तो सीख लिया, लेकिन कुछ ऐसे अक्षर हैं जो मैं अभी भी ठीक तरह से लिख नहीं पाता हूँ. कैडेट, इनफैक्ट जब मैं उन्हें लिखता हूँ तो उन्हें देख कर बहुत शर्म आती है. ये मेरी लिखाई हुआ करती थी. इंग्लिश में मैंने लिख दिया है. ऑल यू हैव टू डू इज इसका हिंदी में अनुवाद करना है. ओके सर. सर ये तो आई नो करेक्ट पर्सनल है, इसीलिए तो मैं किसी और के पास नहीं सीधा तुम्हारे पास आया हूँ. मुझे तुम पर पूरा भरोसा है करेक्ट. सर आप चिंता मत कीजिए, जब हम लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप ही ने लिखा है. एक मिनट. डॉक्टर मिश्रा, आप वापस कब आए? क्यों आप इंतजार कर रहे थे? या दरअसल मुझे इस बात का एहसास करा गया था कि आप एकेडमी मेरी वजह से छोड़ के गई हैं. सो ऐसी कोई बात नहीं कैप्टन, आई एम श्योर ये डॉक्टर शालिनी का इमोशनल जजमेंट होगा. बस स्टिल डॉक्टर मिश्रा, आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरी वजह से कुछ. कैप्टन इट्स ऑलराइट, कम से कम इसी बहाने हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं. कितनी अजीब बात है, हम एक दूसरे के नाम के इतने करीब पहुंचने के बाद अब दोबारा डॉक्टर ऋतु मिश्र और कैप्टन राजवीर शेखावत तक पहुंच गए. स्ट्रेंज. या एक्चुअली स्ट्रेंज है, लेकिन डॉक्टर मिश्र आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती हैं. आप जानती हैं कि मैं कुछ किसी के दिमाग को पढ़ना और किसी के दिल की बात को जानना ये एक बात नहीं होती, और ये एक साइकोलॉजिस्ट होने के बावजूद मुझे अब समझ में आया. Anyway, इस बार मैं आपके नाम तक पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करूंगी. Come on, Dr. Mishra. Captain, I think हमें 1600 hours पर निकलना है. या आप कैंपिंग साइट पर आ रही हैं? अगर आप कहें तो नहीं चलो. मैं क्यों कहूंगा, इनफैक्ट मुझे तो खुशी है कि आप हमारे साथ चल रही हैं. लेकिन आप मेंटोर किसकी हैं? तू ठीक है ना यूडी? देख अगर तुझे वहां किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो तू मुझे बेझिझक याद कर लियो. यू बेटर नॉट टॉक टू मी ब्रो, वरना. अरे इसे क्या हो गया यार, तू ठीक है ना यूडी? तू 36 घंटे पहले ही मर्द बन गया. कैंप के बाद क्या होगा इसका? देख देख. कैडेट्स, ये डॉक्टर तू कहां से आ गई यार? ये मुगैम्बो किधर रह गया? ओके कैडेट्स, आप लोग अपने मेंटोर के साथ कैंपिंग एरिया की तरफ मूव करेंगे. सुबेदार मेजर सेन. कैडेट अली बेग. कैडेट नैना सिंह.
Yudi boy? Cadet Amardeep Huda? Cadet Pooja Ghai. मेजर भार्गव को लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। Let's go, cadet. अगले 36 घंटे के लिए मैं तुम्हारी मेंटोर रहूंगी। Alright, so get moving. भाई कोई काम तो ठीक से किया करो, कम से कम ठीक से साथ में भागो तो। कम ऑन रन। यस सर। कैडेट अली। यस। तुम सोते कैसे? जी मैम। खर्राटे तो नहीं लेते? नो मैम। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे करे आलेख? एक बूंद भी नहीं है दारू की मैम। लानी चाहिए थी, रात को नींद अच्छी आती। You know, Cadet, I'm really excited about this camp. We're gonna have a lot of fun. बिल्कुल मैम, आपके साथ तो बहुत मजा आएगा। I know, मैं और मेरे दोस्त पुष्कर गए थे। वहाँ पर खुले आसमान के नीचे ठंडी ठंडी हवा में सोया करते थे, पर वहाँ पर एक सैंड स्नेक ने मुझे काट लिया। वो पूरी सेइंग मैम, मैंने सुना है कि ये जो सैंड स्नेक्स होते हैं बहुत जहरीले होते हैं। हाँ, पर किसी लोकल ने कहा कि अगर मैं पुष्कर की ताल में 2 घंटे के लिए खड़ी हो जाऊँ तो सारा जहर निकल जाएगा। ओह, दैट्स कूल। नो, इट वाज पेनफुल, क्योंकि मुझे वहाँ बिना कपड़ों के रहना था। Damn cool, man. मकसद क्या है? पता नहीं नैना, मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ। इस सिर के पीछे मुझे भार्गव का मकसद जितना साफ और सिंपल लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। Naina Singh, let's see. Captain Naveen Singh Ahluwalia. Cadet Naina, 36 ghante jungle mein, apne mentor, apne captain, apne Rajveer ke saath. Kaafi hone chahiye. Never underestimate Major Bhargav, Cadet Naina, never. 36 ghante khatam hone ke pehle, तुम ये कबूल करोगी कि तुम्हारा भाई देशद्रोही गद्दार था।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.